यूनियन बजट 2016 आने के बाद एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्रा ने कहा है कि बजट में एमएसएमई को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी रजिस्ट्रेशन योजना यूएएम यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम को सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने एक्सेप्ट कर लिया है और आगे भी कोई राज्य अगर कोई सजेशन देता है तो उसे शामिल किया जाएगा। यूएएम में अभी तक 3,42,476 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। दूसरी चीज रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी दिक्कत जाती थी, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे कामत कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें आग्रह भी किया था कि एक पेज का रजिस्ट्रेशन का क्रम हो तो ज्यादा अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात के अंदर ये चिंता व्यक्त की थी कि छोटे छोटे उद्यमी ये परेशानी व्यक्त कर रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन बड़ी दिक्कत जाती है, बहुत सारा इधर भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो हमारे अधिकारियों ने मिलकर के सारी चीजें तय की और एक पेज का ये 20 पॉइंट का एक बनाया और आप जानकर प्रसन्न होंगे जो आवश्यक जानकारी उसमें की गई ये बिल्कुल ऑनलाइन है और एक एक बिंदु को करके भरते जाएंगे। 20 भरने के पश्चात क्लिक करने के पश्चात 5 मिनट के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले smepost.com को दिए गए एक इंटरव्यू में भी कलराज मिश्रा ने यूएएम के बारे में बताया था। एमएसएमई मिनिस्ट्री के नाते मैं व्यक्तिगत स्तर पर यह अनुभव करता हूं कि अभी तक उद्योगों को लगाने के लिए जो उद्यमियों के अन्य प्रकार की कठिनाइयां जा रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है, तभी हम सही माने में हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब का स्वरूप बना सकते हैं। और इसलिए उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, उद्योग आधार मेमोरेंडम का।